जहां एक और तीन तीन शुभ अवसर है, वहीं पर झारखंड में भी एक अवसर आया है तीन ऐसे रोगों से मुक्ति पाने का, लव जिहाद, लैंड जिहाद और जॉब जिहाद। घुसपैठियों ने एक और तो जल जंगल जमीन पर कब्जा किया है, आदिवासी बहनों की आबरू से लेकर आवास को लूटने का काम किया है, और यहाँ के नौजवानों के रोजगार पर शिकंजा कसा उसको भी हथियाने का काम किया। अगर झारखंड को आगे बढ़ाना होगा, विकसित झारखंड बनाना होगा, तो घुसपैठियों से मुक्ति दिलानी पड़ेगी, इस लव जिहाद लैंड जिहाद जॉब जिहाद से मुक्ति दिलानी पड़ेगी, और कांग्रेस आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा से मुक्ति दिलानी होगी। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं आज झारखंड वासियों के भाई और बहनों से, सभी से, कि पहले चरण में आपने शानदार मतदान करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, दूसरे चरण में और बड़ा मतदान भाजपा के पक्ष में करें, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं और अपने झारखंड को विकसित झारखंड बनाने का संकल्प करें। हम झारखंड को घुसपैठियों से मुक्ति भी दिलाएंगे, हमने बनाया भी था झारखंड, अब सवारने का काम भी करेंगे। देखिए, वायदा किया था आज से 5 साल पहले कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कि 2500 रुपया महीना वृद्धा विधवा पेंशन देंगे, 2500 रुपया वंचित और शोषित महिलाओं को देंगे, नहीं दिया। कहा था 50% आरक्षण महिलाओं को सरकारी नौकरी में देंगे, नहीं दिया। कहा था जो स्थायी नौकरी देंगे, चाहे वो आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, इन सबको, लेकिन वो नहीं दिया। इन्होंने कहा था युवाओं को 5 लाख नौकरियां हर साल देंगे, नहीं दिया। आज युवा, महिला, जवान, किसान सब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन्होंने केवल झारखंड वासियों को ठगने का काम किया है, झारखंड को लूटने का काम किया है, लूट की खुली छूट ये कांग्रेस और हेमंत की सरकार में थी, और मैं कहना चाहता हूं इन्होंने भ्रष्टाचार की मलाई खाई है, अब जनता इनकी विदाई की तैयारी कर रही है।